ये भी हमारी बिलिंग मशीन है, बिलिंग हम इसमें कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डेंटल क्लिनिक के लिए हमने रेडी करी हुई है, इसमें हम नंबर वाइज बिलिंग कर सकते हैं अपने आइटम कोड के हिसाब से। अभी जैसे हम लोगों के जितने भी क्लिनिक्स रहते हैं उसमें हमारी कंसल्टेशन चार्ज रहता है, कंसल्टिंग चार्ज जो भी रहेगा वो भी हमने इसमें डाला हुआ है। उसके बाद जो भी हम सर्विसेज लेते हैं डेंटल क्लिनिक में, उन सर्विसेज के हम आइटम इसमें डाल सकते हैं और वो सर्विसेज ले सकते हैं। उसके रेट्स वगैरह भी हम देख सकते हैं इसमें। अभी जैसे मैं आपको एक बिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कंसल्टेशन चार्ज जो हमारा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा कंसल्टिंग चार्ज है 500 रुपीज़। अब जैसे मान लो हमने दो लोगों को कंसल्ट किया है तो हम दो भी कर सकते हैं, दो लोगों का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हमारा रेट किसी को डिस्काउंट देना है, कम करना है, तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक आइटम बिल कर दिया है इसमें कंसल्टेंसी चार्ज। अब उसके बाद हमारा रूट कनाल अगर हम कराते हैं तो रूट कनाल का आपके क्लिनिक पे जो भी चार्ज है वो आ जाएगा, आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसमें डाल रहे हैं फिलिंग, अपनी टीथ फिलिंग करवानी है तो वो हम डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद एक आइटम और डाल देते हैं इसके अंदर, ब्रेसेस अगर कोई लगवाने आता है तो वो हो जाएगा। अब ये टोटल बिल जो हमारा है ये हमारा निकल के आ गया है मशीन से, कितना फास्ट आया है। जैसे ऊपर हम अपना डिटेल देख सकते हैं, डिटेल में हमने टैक्स इनवॉइस आ गया, अपने क्लिनिक का नाम आ जाएगा, लोकेशन आएगी क्लिनिक का, GST नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बिल नंबर आपका लिखा हुआ है, बिल नंबर से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कैश बिलिंग के लिए आपका अभी यूज़ हो रहा है, कैश बिलिंग में आपका आ जाएगा। ये GST क्वांटिटी रेट अमाउंट सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। कंसल्टेशन चार्ज जो हमारा रहेगा 500 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, दो आइटम का था तो 1000 हो गया, तो कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमने ये रूट कनाल कराया था 250 रुपये, आपके क्लिनिक में जो भी चार्जेस हैं आप वो कर सकते हैं। फिलिंग हमारे पास आ गया ऑप्शन, फिलिंग का हमने यहाँ पर अमाउंट डाला हुआ है, एक फिलिंग क्वान्टिटी आई है। फिर हमने ब्रेसिस लगाए हैं, ब्रेसिस के जो भी आपके रेट्स रहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो सेट के हमने क्वांटिटी ली हुई है। अब ये टोटल कलेक्शन हमारे पास इसमें इतनी लेनी है 11,450 रुपये। अब जैसे हमारी डे में पूरी कलेक्शन हो जाती है तो वो कलेक्शन हम कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कीपैड से ही हम देख सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, रिपोर्ट का हमारे पास यहाँ पे कीपैड में दिया हुआ है बटन, ठीक है। अब मैं रिपोर्ट इसमें निकालता हूँ, हम एक डे की रिपोर्ट निकाल रहे हैं, कलेक्शन जितना भी हमारे पास हुआ है वो हम देख रहे हैं इसमें। इस अमाउंट का कलेक्शन हमारे पास टोटल अभी तक हुआ है, ठीक है। स्टार्ट डेट आ गया, स्टार्ट बिल नंबर और एंड बिल नंबर। तो अगर हमने मान लो एक से बिल नंबर स्टार्ट किया तो एक आ जाएगा, एंड हमने 38 पे किया तो 38 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक डेली कलेक्शन रिपोर्ट है, तो अगर आपका ऑपरेटर बैठता है काउंटर पे कलेक्शन के लिए तो आप उससे अपडेट लेने के बजाय आप मशीन से अपडेट ले सकते हैं कि कितना कलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब डेली सेल्स रिपोर्ट है जो, इसमें हम यस कर देते हैं। ये डे वाइज आपको देखना है, फुल डे का देखना है, फ़िल्टर करके देखना है, वो सारे ऑप्शन आते हैं। अब उसका ये हमारा फ़िल्टर होके आया है, किस किस चीज़ का चार्ज दिया गया है 11,450 रुपये। तो हमारे दो कंसल्टेशन चार्ज हैं, एक रूट कनाल है, एक फिलिंग है, एक ब्रेसिस है। तो इस हिसाब से हमें सारी कलेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये बड़ी हैंडी मशीन है, आप देख सकते हैं इसको, टेबल टॉप हैंड हेल्ड मशीन आप इसको कह सकते हैं।